हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया 15% कोटा का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है और जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 19,603 रैंक और 660 नंबर्स तक कॉलेज मिला है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2023 के साथ तो ये 19,396 रैंक तक मिला था और 2022 में 17,401 रैंक तक। तो अगर हम उम्मीद करें तो लास्ट राउंड तक ही करीब 25,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को अनरिजर्व कैटेगरी में कॉलेज मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 23,419 रैंक तक कॉलेजेस मिले हैं जो कि 654 मार्क्स पे आता है और यही स्टेटस 2023 में 21,591 रैंक तक था और 613 मार्क्स पे था। ये बहुत बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है कि जो पिछले साल 613 मार्क्स था वो इस साल 654 मार्क्स के आसपास आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और 2022 में 18,989 रैंक पे और 605 मार्क्स पे कॉलेजेस मिले थे। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में 20,281 रैंक तक कॉलेजेस मिले हैं, 20,281 रैंक्स पे 658 मार्क्स हैं और 2023 का स्टेटस देखते हैं तो 19,977 रैंक 617 मार्क्स पे और 22 में 18,034 रैंक 606 मार्क्स पे कॉलेजेस मिले थे। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में 1,05,676 रैंक 575 मार्क्स पे अभी तक राउंड वन में कॉलेजेस मिले हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो 1,13 रैंक तक कॉलेज मिले थे जो कि 509 मार्क्स पे था और 2022 में 89,842 रैंक्स पे कॉलेज मिला था जो कि 492 मार्क्स पे था। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर आप देख सकते हैं 509 मार्क्स लास्ट ईयर लास्ट कट ऑफ किया था, अभी 575 पे है। इसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है इस साल। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में 1,45,207 रैंक तक जो कि 544 मार्क्स पे कॉलेज मिला है। लास्ट टू इयर्स में 1,41,071 रैंक तक जो कि 469 मार्क्स पे था और उससे पिछले साल 1,23,071 रैंक जो कि 453 मार्क्स पे था। तो यहां पर भी कुछ 50-60 नंबर तक का शिफ्ट देखने को मिलेगा इस साल। वहीं अगर डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो आपको इवन क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी कॉलेजेस मिल जाएंगे। कौन कौन से कॉलेजेस कितने नीट स्कोर पे मिल सकते हैं इसके पूरे डिटेल्स आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे टीम से बात करके जान सकते हैं। आपके स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा ये आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो ये थे सारे अपडेट्स। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।